पानी पिया और बोतल फेंक दी। ना ना नो वे। इधर जर्मनी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मोस्ट ऑफ द बॉटल्स ऐसी हैं जहाँ आप 25 सेंट आप लोगों को पे करना होता है। तो जब खाली हो बॉटल तो इसको सुपर मार्केट में ले जाएं और डिपॉज़िट अपना जो है वो वापस ले लें। कैसे, जैसे ये आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे है जी हर आपको सुपर मार्केट की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर आपको ये बॉटल रिसाइकलिंग मशीन नज़र आएंगी, और इनके जो राउंड होल है इसमें आप अपना बॉटल्स अगर ज़्यादा हैं तो एक के बाद दूसरी डालते जाएँ, और उसके बाद जो है मशीन स्पिन करेगी, जो उसका बार कोड है बॉटल्स का वो स्कैन किया जाएगा, और इसके बाद आप जो है जब एंड में आप मशीन के राइट साइड पर ग्रीन बटन है उसको प्रेस करें तो वहाँ से आप लोगों को एक आपकी स्लिप मिलेगी जिसमें आपकी टोटल अमाउंट जो है वो आपकी लिखी होगी, और उसका यह है ये जैसे अभी बटन प्रेस हो रहा है और यहाँ से भी स्लिप एक बाहर आएगी। तो ये जो है आप उधर का अपना पे करें, और अगर आप लोगों ने कुछ पाए किया है तो उस पर से डिडक्ट हो जाएगा, अगर नहीं तो आप लोगों को आपके अमाउंट जो है वो वापस मिल जाएगी। और ब्रेड में हम लोग ये वाली ब्रेड यूज़ करते हैं, वेल्ट माइस्टर ब्रेड है, और इसमें व्हीट, ओट्स और राइस ये बनी हुई है, और इसके ऊपर आपको खूबसूरत फ्लैक्स, पॉपी, सीसम और सनफ्लावर सीड्स जो है वो स्प्रिंकल हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अरोमेटिक है ये। और ये हम लोगों ने जो है वो आइस पाई की, और आइस तो ऐसी चीज़ है जो बच्चों बड़ों सभी की बहुत ही फेवरेट है, और ये पहला जो फ्लेवर है आलमंड आपने देखा, ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है और मैं बहुत लाइक करती हूँ। तो बाकी मैंने माशाल्लाह बच्चों की पसंद के जो है वो डिफरेंट फ्लेवर्स लिए हैं, और इसमें ये कोकोनट है, लेमन है, स्ट्रॉबेरी है, और जो कोकोनट फ्लेवर है इसमें जो है वो आलमंड मिक्स है, और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है वनीला और आलमंड। इसके अलावा ये चीज़ ली है आगे रमादान के लिए, तो चीज़ और आइस ये तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है पसंद करते हैं, और ये सारा मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, और ये लेमन का है, और ये पिस्ताशियो आइस है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका भी। और इसके साथ ये और कुछ फ्रूट जो है वो बाय किया था, ये नाशपाती है, और इसके साथ बनाना जो है वो बाय किया, और ये जो है ये वेजिटेबल रोल्स हैं ये भी, तो बहुत अच्छा टेस्ट है इनका भी। और ये सारा है जो भी आप लोगों ने देखा, तो बाकी बहुत ज़्यादा आइस आप लोग देख रहे होंगे और कहेंगे कितना अनहेल्दी चॉइसेस हैं या बहुत ज़्यादा ये अनहेल्दी है बच्चों के लिए, तो अनहेल्दी है लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में रह के ही अच्छी लगती हैं, और बच्चों को बिल्कुल ही ऐसी चीज़ों से दूर कर देना, और थोड़ा बहुत ज़ाहिर उनकी एज है और लिमिट्स में रह के बच्चों को ऐसी चीज़ें दे देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे अक्सर मदद करती हैं कि अपना बिज़ी हैं कहीं भी तो बच्चे को कुछ मीठा पकड़ा दे कुछ इस तरीके से, बस बच्चा जो है वो बस साइड हो जाए और हम अपना काम करें, तो बस ये है कि आप लिमिट्स में रह के बच्चों को दे सकते हैं। इससे ये भी है ना कि अगर स्कूल गोइंग है या कहीं पे बाहर जाता है बच्चों को देखता है ऐसे कुछ खाते पीते हुए इस किस्म के आइटम्स वगैरह,
तो वो भी फील करता है ना, तो वो इससे एक बच्चे में एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो मेरा तो यही थिंकिंग है कि बच्चों को बिल्कुल ही खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत उनको एक लिमिट्स में रह कर दे देना चाहिए। और ये मैं अभी आपको रमज़ान की ग्रोसरी वगैरह दिखा रही हूँ। आटा हम लोगों ने बाय किया है, ये है यहाँ पे जो एशियन स्टोर है वहाँ से बाय किया है, 10 kg का बैग है और चपाती आटा है ये। इसके अलावा बाकी की मैं आपको ग्रोसरी दिखा रही हूँ, इसमें ये चिकन ग्रीन चिली सीख कबाब हैं और बहुत अच्छा टेस्ट है इनका भी, क्राउन फ्रोज़न फूड्स के हैं ये। और इसके साथ ये सिंपल सीख कबाब हैं, ये चिकन के ये बाय किए हैं और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका भी। और इसके अलावा ये वेजिटेबल समोसास हैं, 20 के पैक है ये बाय किया है। और फर्दर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसके अलावा ये स्पाइसेस हैं सारे, इसमें ये सिनेमन स्टिक है, क्यूमिन सीड और ब्लैक पेपर और क्लोव्स ब्लैक कार्डमम और इसके अलावा ये जो है पैकेट मिक्स है, ये दही बड़ा मिक्स है ये, और ये साथ आपको कोकोनट के 3 bags लिए हैं। सारे स्पाइसेस वगैरह दालें वगैरह जो हम TRS का फूड के लेते हैं और काफ़ी अच्छा मुझे टेस्ट लगता है इनका, स्पाइसेस हैं और जो दालें वगैरह हैं। इसके अलावा ये देख रहे हैं आप, शीर खुरमा मिक्स है, कढ़ाई चिकन मसाला और वेजिटेबल बिरयानी मसाला, और ये स्पाइसेस लिए हैं। इसके अलावा ये दालें वगैरह भी बाय की हैं, तो ये 2 kg का बैग है दालों का और इसमें तमाम किस्म की दालें हैं ये बाय की हैं। तो ये हम लोग एवरी 2-3 months के बाद हमारा यहाँ पे विज़िट होता है एशियन सुपरमार्केट में, तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त रहता है, हम लोग यहाँ से बाय कर लेते हैं, तो बार बार का जो एक जाना होता है या बार बार के चक्कर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है और काफ़ी कन्वीनियंट है हमारे लिए। और ये बाकी फ्लोर के 2 kg के ये 2 bags हैं ये बाय किए हैं। इसके अलावा आपने सोयाँ देखा, वो सारी दालें वगैरह, और और ये लहसुन बाय किया है और इसके साथ अदरक भी बाय किया है, 20 kg का पैक कार्टून है वो। तो इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके मैंने जो है इसका आइस क्यूब जो ट्रेज है उनमें मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है ग्राइंड करके, तो ये काफ़ी सेट रहता है, कुकिंग करनी हो बस निकाला और उसको यूज़ किया। और ये मेहंदी बाय की है और कुछ वेजिटेबल भी बाय की हैं, तो ये जो करेले हैं इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के जो है मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया है। और बाकी ये चिक पीस हैं और पापरिका वगैरह हैं, और ये जो धनिया है इसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके इसको मैंने कटिंग करके इसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया है। तो ये सारी रमज़ान की ग्रोसरी है जो की है, और बाकी जो कुछ बीच में भी चलता रहता है थोड़ा बहुत, जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, दूध हैं, वेजिटेबल्स हैं, या बाकी जो बीच में आइटम्स हैं, तो दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ हम सबको अपने सामान में रखें और हम तमाम मुसलमान जो हमारे बहन भाई हैं उन सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे, और अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ सहर अफ्तार में सबके घरों में सबके दस्तरखान जो है भरे रखें, और ऐसे मौक़ों पर हमें अपने जो भाई ऐसे हैं, बहनें गरीब हैं जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते, अल्लाह सुब्हान व तआला के साथ हमें तौफीक दे कि हम उनकी मदद करें। तो मेरी तरफ से सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, और अगर आप लोग सहर में नॉक्स पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।